हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज फैज साकिर। वेलकम टू थर्ड लेसन ऑफ ज्योग्राफी, बायोटिक रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बच्चों, आज से हम लोग आपके ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊं वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन कहते किसको हैं। कहता है द ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स विच हैव डेवलप्ड इन एन एरिया विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। कह रहा है कि किसी भी एरिया में बगैर ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स जो डेवलप्ड होते हैं उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब कि किसी भी एरिया में बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स जो डेवलप्ड होते हैं वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है नेचुरल वेजिटेशन। कहता है द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन अ वराइटी ऑफ फैक्टर्स। कहता है क्या नेचुरल वेजिटेशन का ग्रोथ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो कहता है कि सच एज क्लाइमेट, मतलब उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, रिलीफ, उस जगह जमीन की बनावट कैसी है, सॉयल, वहाँ का मिट्टी कैसा है, एंड प्रीसिपिटेशन, और वहाँ पर बारिश कितनी होती है। तो कहने का मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन किसको कहते हैं? तो किसी भी एरिया में बगैर ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो प्लांट्स उगाते हैं उनको जो है हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। जो ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स डेवलप्ड होते हैं उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो मेनली किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो क्लाइमेट पर, रिलीफ पर मतलब ज़मीन की बनावट पर, सॉयल मिट्टी पर, प्रिसिपिटेशन मतलब बारिश पर, उस एरिया में कितनी बारिश हो रही है। कहता है कि टुडे द ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमंस। कहता है कि आज जो है वह आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन है उसको इंसान जो है उसने लगातार उसमें जो है मॉडिफिकेशन किया है और वह मॉडिफिकेशन करता जा रहा है। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स वेदर नेचुरल और मॉडिफाइड आर द पार्ट ऑफ द अर्थ्स नेचुरल वेजिटेशन। कहता है कि सब तरह के पौधे चाहे वह नेचुरल हों या मॉडिफाइड हों यह जो है अर्थ के नेचुरल वेजिटेशन के हिस्से हैं। नेचुरल वेजिटेशन एग्जिस्ट्स ओनली इन द बायोस्फीयर। कहता है कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो सिर्फ बायोस्फीयर में ही एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, नेचुरल वेजिटेशन एग्जिस्ट्स ओनली इन द बायोस्फीयर, मतलब नेचुरल वेजिटेशन जो है वह सिर्फ बायोस्फीयर में ही एग्जिस्ट करता है। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट्स। कहता है कि बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर जो है अर्थ का वैसा तंग हिस्सा है, वैसा नैरो जोन है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। कहता है द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब होता है जमीन, लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, एंड एटमोस्फीयर मतलब एयर इंट्रैक्ट विथ ईच अदर टू प्रोवाइड लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस। यानी कहने का मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर जब एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन होता है तब आप देखेंगे कि लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन जो है उसका जो है जन्म होता है। प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द बायोस्फीयर। कहता है कि प्लांट्स, ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वह बायोस्फीयर के इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। दीज ऑल आर
interrelated and interdependent on each other for their survival and growth. कहता है कि ये तमाम जो है वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज ब्रॉडली नोन एज द इकोसिस्टम. कहता है कि ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसको जो है हम ब्रॉडली इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं. इट इज बिलीव्ड दैट देयर आर अबाउट 10 lakhs variety of animals and 3 lakh variety of plants including fungi, mosaicus, algae, etc. कहता है कि आप देखिएगा कि ये माना जाता है, ठीक है, कि जो है ये जो बायोस्फीयर जो है इसमें लगभग 10 लाख तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं और लगभग जो है वो 3 लाख के आसपास जो है वैरायटी के जो है प्लांट्स पाए जाते हैं जिसमें फंगी, मोसेसिस और एल्गी वगैरह आते हैं. सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स लीव अंडर द वाटर. कहता है कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और इन द एयर या फिर हवा में, वाइल सम लीव अंडर द अर्थ सरफेस ऑन द अर्थ. या जो है कुछ आप देखेंगे कि अर्थ के सरफेस के नीचे या फिर अर्थ के ऊपर जो है वह रहते हैं, ठीक है. देखिए बायोस्फीयर का तस्वीर जो है वह आपकी बुक में बनाया हुआ है पेज नंबर 288 में, और इकोसिस्टम का भी तस्वीर जो है वह बुक में बनाया हुआ है. अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. कहता है कि वी कैन ब्रॉडली कैटेगराइज नेचुरल वेजिटेशन इनटू फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड सर्व्स. कहता है कि हम लोग नेचुरल वेजिटेशंस को मेनली, मतलब मुख्य तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड सर्व्स. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कहता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आप देखिएगा कि अलग अलग तरह के नेचुरल वेजिटेशंस पाए जाते हैं. सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. कहता है कि कुछ जो है वह इस चैप्टर में जो है उसको डिस्कस किया गया है, मतलब उसको आपको पढ़ाएगा, उसको हम लोगों को पढ़ना है. तो इसको हम लोग जो है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो है वो अगले वीडियो में जो है स्टार्ट करेंगे, नहीं तो वीडियो आपका जो है बहुत लंबा हो जाएगा. तो आज हमने पढ़ा कि नेचुरल वेजिटेशन किसको कहते हैं, तो किसी भी एरिया में बगैर ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स का डेवलप्ड हो जाना नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है. नेचुरल वेजिटेशन जो है वो मेनली क्लाइमेट रिलीफ, सॉइल और प्रिसिपिटेशन पर निर्भर करता है. कहता है कि इंसान जो है उसने वह जो है लगातार ओरिजिनल जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको वो मॉडिफाइड करता रहा है, उसका जो है वह मॉडिफिकेशन करता रहता है. कहता है कि तमाम तरह के प्लांट्स, चाहे वो नेचुरल हों या मॉडिफाइड हों, वह सब अर्थ नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आते हैं. नेचुरल वेजिटेशन जो है वह सिर्फ बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करता है. बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. अर्थ का एक नैरो जोन है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. फिर हमने पढ़ा कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर जब एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं, जब उनका एक दूसरे से इंट्रैक्शन होता है, तब लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन जो है वह डेवलप्ड होते हैं. प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स जो हैं वह बायोस्फीयर के एसेंशियल हिस्से हैं. ये तमाम जो है वह एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए. और ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है इसको ब्रॉडली जो है वह हम इकोसिस्टम कहते हैं. ऐसा माना जाता है कि ये जो बायोस्फीयर जो है इसमें लगभग 10 लाख तरह के जानवर पाए जाते हैं और लगभग 3 लाख तरह के जो है प्लांट्स पाए जाते हैं. कुछ प्लांट्स और जानवर जो है वो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, कुछ एयर जो है. सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव्ड अंडर द वाटर और इन द एयर. कहता है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो वाटर या फिर हवा में जो है आप कह सकते हैं कि रहते हैं, ठीक है, जबकि कुछ जो है वाइल सम लीव
अंडर द अर्थ सरफेस और ऑन द अर्थ, या कुछ आप देखेंगे कि जमीन के सतह के नीचे या जमीन के सतह के ऊपर। तो उम्मीद है कि हमने जो आज मैंने जो आपको पढ़ाया कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है, इकोसिस्टम किसको कहते हैं, ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन किस तरह से डेवलप होता है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर से बाहर ना ही निकलें तो आपके लिए बेहतर होगा, सबके लिए बेहतर होगा। डैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।